रविवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमा रही है, जिसमें कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा कमलनाथ सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चुनौती दिए जाने के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी महासचिव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए उनके दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद वे 20 से 22 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। बता दें कि सीएम कमलनाथ ने कहा था कि प्रदेश में 20 से 22 लोकसभा सीटें जीतेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिन बाद किसानों के कर्ज माफ नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदलने की बात की थी। उन्होंने कहा, राहुल तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस के विधायक ऐसा करेंगे, क्योंकि विधायकों को लोगों ने गाँव में घुसने नहीं दिया है। साथ ही विजयवर्गीय ने इंदौर में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि हम पिछली बार से भी ज्यादा मतों से ये सीट जीतेंगे। प्रदेश में बीजेपी की पिछले चुनाव की तुलना में 1 या 2 सीट और बढ़ेंगी। वहीं सीएम कमलनाथ ने मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस बयान को लेकर विजयवर्गीय पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ पूरे 5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन विजयवर्गीय अपनी चिंता जरूर करें, क्योंकि 23 मई को चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल के उनका प्रभारी का पद खतरे में आ जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी अपने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार अपना बहुमत साबित करे, जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलवाए, अन्यथा वो राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।